हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस 2020 एग्ज़ाम डेट जो कि आपका 27 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम 7 दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। जो कि दोस्तों, आप अगर फॉर्म भरे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लें। एसएससी दिल्ली पुलिस जो कि 5800 प्लस पोस्ट है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करें, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे। उसकी संरचना निम्नलिखित होगी। तो भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ। तो दोस्तों, आपका ये विषय है, प्रश्नों की संख्या है, अधिकतम अंक है और अनुमति अवधि है जो। तो दोस्तों, आज मैं भाग एक से पूछा जाएगा समान बुद्धि और सामासिक विषय, और इसमें भाग ख से पूछा जाएगा तर्क शक्ति, और भाग घ से पूछा संख्यात्मक योग्यता, और भाग घ से पूछा जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस वर्ल्ड और इंटरनेट WWH। तो देखिए, जो आपका भाग ख से रहेगा सामान्य बुद्धि सामासिक का, जो होगी आपका JK GS 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर के होंगे, और आपका रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के होंगे। आपका न्यूमेरिकल होगा 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के, और आपका जो कि कंप्यूटर होगा 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के होंगे। जो आपको टोटल टाइम मिलेगा, आपको 90 मिनट मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोस्तों, अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर के साथ 0.25 पॉइंट काटा जाएगा। इसलिए वैश्विक सलाह दी जाती है कि फिर प्रश्न को देते समय इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है। तो 0.2 का मतलब कि 4 क्वेश्चन आपका गलत जाएगा, 1 सही आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या क्या पढ़ना है बता रहे हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान है, तर्क शक्ति है, संख्यात्मक है। जैसा कि देखिए दोस्तों, आपको जो जीके पढ़ना पड़ेगा, इस घटक के प्रश्न का उद्देश्य भर्ती के आसपास परिवेश सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामान्य घटनाओं को दिन प्रतिदिन अनुभव करके ऐसे मामलों का ज्ञान हो, वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव जांच करनी है तो प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मतलब करंट अफेयर्स डेली इधर भी देखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा के भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक और सामान्य राज्य, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी विषय के लिए अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस के आधार पर होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको बाहर से यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर हम तर्क शक्ति की बात कर लें, रीजनिंग की बात कर लें, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बता दें। तो दोस्तों, तर्क शक्ति में जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से गैर शाब्दिक प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरुचि देखने के लिए प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता अंकित की जाएगी। इस घटक के समानताओं का तरंगे स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिन्यास, दृश्य समिति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि प्रश्नों किए जा सकते हैं। दोस्तों, पूर्णांक का विकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज दर, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय और कर आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लें अगर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर, वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रारंभ, दस्तावेज को खोलना और बंद करना, पाठ लेखन, पाठ प्रारूप करना, इसे प्रस्तुत करने संबंधित विशेषताएँ। तो दोस्तों, यही सब रहेगा आपका कंप्यूटर से, जैसे कि बेसिक जो नॉलेज होगा उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि प्रश्नों का स्तर का वो मैट्रिक स्तर का होगा। तो दोस्तों, जो है सब मैंने सिलेबस रहेगा जो मैंने बताया है, रीजनिंग, JK GS, करंट अफेयर्स, जो रहेगा करंट अफेयर मतलब तत्काल करेगा, करंट करेगा, तो जो रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, वो सब जो आपके मैट्रिक स्तर जो सिलेबस है उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों, शारीरिक दक्षता और मापदंड जो है कि परीक्षा मानक अनुसार होगा, जो कि आपका पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका ये सब फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल कराने के लिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी रनिंग है 30 वर्ष तक, देखिए जो आपकी दौड़ है 1600 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है 14 फीट है, 13 फीट है, 12 फीट है,
यहाँ पे एज दिया गया 30 वर्ष से 40 वर्ष, 40 वर्ष से ऊपर, और जो ऊँची कूद 3/9 है, 3/6 और 6/3/3। यहाँ पे बोला गया कि जो वही अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करेंगे वे लंबी कूद और लंबी कूद के लिए क्वालिफाई माने, जो अगर रनिंग में अगर फेल हो जाएंगे तो आपको इस लंबी कूद को लिए और ऊँची कूद के लिए यहाँ पे आप प्रावधान नहीं करना किया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और दोस्तों अगर इसमें ऊंचाई की बात कर लें तो इसमें देखिए 170 सेंटीमीटर ये आपका न्यूनतम मतलब सबसे कम रहेगा, इसमें किसी प्रकार किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादातर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।